खो मैंने सोचा कि एक ये एस एस सी सी एल का पेपर और सॉल्व करके डाल देता हूँ जिससे बच्चों का थोड़ा अभ्यास होगा तो इसलिए देखा मैंने एक पेपर और है मेरे पास मॉडिफाइड किया हुआ प्रिपेयर है क्योंकि इसको प्रिपेयर करना पड़ता है पीपीटी बनाना पड़ता है बड़ी मेहनत से वीडियो डालना होता है और जो बच्चे इसको जानते हैं तो वही समझ रहे होंगे फिलहाल तमाम बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको एस एस सी सी टायर वन टू थाउजेंड नाइनटीन क्वेश्चन पेपर है हेल्ड ऑन फोर्थ मार्च और टू थाउजेंड निफ्ट टू है ये ठीक है शिफ्ट शिफ्ट वन में दे चुका हूँ तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कोटेशन के साथ ठीक है कोटेशन आपका लिखा हुआ है इफ़ यू रियली वांट समथिंग यू कैन फिगर आउट हाउ टू मेक इट हैपन तो मैंने सोचा एक एक मोटिवेशनल कोटेशन आपके लिए और भी बेहतर रहेगा स्टार्टिंग में तो इसमें कहा है किसी ने कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग यदि वास्तव में आप कुछ पाना चाहते हैं इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो यू कैन फिगर आउट तो आप उसको फिगर कर सकते हैं एक रणनीति बना सकते हैं एक खाका तैयार कर सकते हैं हाउ टू मेक इट हैपन कि ये सार्थक कैसे होगा देखिए समझने वाली बात है कि आप इसको ये करेंगे कि इफ यू रियली वांट समथिंग यदि आप कुछ वास्तव में चाहते हैं पाना चाहते हैं जीवन में तो यू कैन फिगर आउट फिगर आउट का मतलब होता है कि आप उसका फिगर बना सकते हैं एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसको हम प्लानिंग कहते हैं हाउ टू मेक इट हैपन कि इसको हम करें कैसे इसको संभव कैसे बनाएं इसको सार्थक कैसे बनाएं ठीक ये होगा कैसे और ये बहुत बड़ी बात है चंद शब्दों में एक बड़ी बात कह दी गई है तो चलिए इसको थोड़ा अपना ध्यान रखिए और आप चलते हैं आगे की ओर तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है और इसे हमें समझना है कि इसको वन वर्ड में कैसे करें सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल आर एनिमल जो बड़ी संख्या में भयभीत लोग या जानवर अचानक से दौड़ पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं का मतलब होता है आपका भगदड़ ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन स्केप गोट का मतलब होता है बली का बकरा और रिक्लूज माने सन्यासी अब आप समझ गए होंगे कि सही कौन सा है ऑप्शन आप नंबर आपका वन है। जब इस तरह से लोग अचानक से भाग पड़ते हैं ये जानवर भाग पड़ते हैं दहशत में डर करके अचानक से सडन रस लिखा वह आकस्मिक जब भगदड़ मचती खलबली जिसको कहते हैं उसको एस्टेपीट कहते हैं बहुत अच्छा वर्ड है इसको याद रखिएगा और देखो वन वर्ड या वो जो होते हैं वही आपके लिए मुश्किल काम है तो धीरे धीरे ऐसे प्रिपेयर करते जाइए और ध्यान रखेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा एग्जाम हॉल में नेक्स्ट है लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम अब ई डी की तो कोई डायरेक्ट मीनिंग होती नहीं है अब बीज नीज लिखा हुआ है द बीज नीज अगर हम शब्दों पे जाएं तो मधुमक्खी के घुटने ठीक है अब यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लमेटिक माने समस्यात्मक फुलिस माने मूर्ख एक्स्ट्रॉर्नरी माने अद्भुत और लिखा है ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट माने होता है सतर्क चौकस ऑब्जर्वेंट माने तेज नज़र वाला ठीक जो बहुत सावधान होता है फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थ्री सही है एक्स्ट्रॉर्नरी ठीक अब ये कैसे क्या इसका गहरा अर्थ है काफी लगाना मुश्किल होता है बीज नीज अब इसमें क्या कहा जाए क्या मालूम बनावटी कहना कुछ ठीक है नहीं इसलिए इसको याद रखिए फिलहाल नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक अ रिवॉर्ड इज विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन इज फील्ड मतलब रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है तो पता करना कैसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक उत्तमता हासिल करने के लिए एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं तो रिवॉर्ड है क्या रिकॉग्निशन माने मान्यता मेमोरियल माने स्मारक कलेक्शन माने संग्रह मोन्यूमेंट माने होता है स्मारक लेकिन ये ऐतिहासिक बिल्डिंग के लिए होता है मोन्यूमेंट माने ऐतिहासिक इमारत मेमोरियल माने वो कोई भी हो सकता है मेमोरियल कोई वस्तु हो सकती है कोई किसी की इमेज किसी की प्रतिमा हो सकती है तो अब यहाँ पर हमें क्या लेना है तो देखिए कलेक्शन किसी भी चीज़ का होता है आप सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं मनी कलेक्शन कर रहे हैं कलेक्शन लेना नहीं रिवॉर्ड कोई मोन्यूमेंट होता नहीं है मेमोरियल होता नहीं ठीक तो रिकॉग्निशन बचता है रिकॉग्निशन का मतलब होता है वो आपको मान्यता देता है रिकॉग्निशन माने मान्यता होती है ठीक वैसे रिकॉग्निशन माने परिचय होता है लेकिन वैसे रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता तो अ रिवॉर्ड इज अ रिकोगशन पुरस्कार एक मान्यता है अर्थात उसको माना जाता है कि आपने कभी ऐसा किया है जो एक व्यक्ति को मोटिवेट करता रहता है अर्थात क्षेत्र में और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आपको इनक्रेज करता रहेगा वो जो रिवॉर्ड आपने रखा अपने घर में तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन है नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड इसका एंटोनिम लेना है इसका विलोम शब्द ऑप्सलिट माने होता है अप्रचलित अप्रचलित ठीक है अप्रचलित तो अब अप्रचलित का रिजिड माने हार्ड होता है कठोर इसका उसका कोई तालमेल नहीं है आउटडेटेड का मतलब अप्रचलित ही होता है रिमोट का मतलब दूरदराज का होता है रिसेंट माने होता है हाल ही का तो समझ में आ गया होगा आपका चौथा नंबर सही है चूंकि ऑप्शलिट माने अप्रचलित आउटडेटेड हो गया रिसेंट माने अभी अभी का हो गया इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है फिर इसके बाद देखते हैं फाइव नंबर है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब यहाँ पर जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी दिया एक लाइन दी हुई है स्टेटमेंट इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स जो जहाज में माल डालता है लोड करता है और खाली भी करता है उसको क्या कहते हैं स्पिंस्टर्स का मतलब तो कुंवारी कन्या होती है यानी अविवाहित स्त्री स्टीव डोर का मतलब होता है जहाजी कुली रस्टिक माने गंवार होता है कैप्टन का मतलब जहाज का क्या। अब कैप्टन जो होता है वो तो माल को लोड अनलोड करता नहीं रस्टिक का यहाँ पर कोई सेंस नहीं स्पिंस्टर का सेंस नहीं तो ये स्टीव डोर माने होता है जहाजी कुली जो माल लादता है और और क्या करता है खाली भी करता है स्टीव डोर याद रखिएगा बढ़िया शब्द है स्टीव डोर यहाँ पर ऑप्शन आप आपका दूसरा सही है नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अब यहाँ पर देखिए स्पेलिंग का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए कंसाइंस कंसाइंस का मतलब जिस समय आप कंसाइसिस लिखोगे तो स्पेलिंग बनती है सी ओ एन एस सी आई ई एन टी आई ओ यू एस कंसाइस वो बनता है जिसकी मीनिंग होती है ईमानदारी इसलिए पहले गलत है पहला वाला इनक्रेजमेंट तो कहीं से भी गलत नहीं लगता कमोशन भी गलत है कमोशन माने हलचाल होता है लेकिन इसकी स्पेलिंग इस में डबल एम होता है सी ओ डबल एम ओ टी आई एन एम्बरैसमेंट की स्पेलिंग बहुत गलत है ई एम बी ए डबल आर डबल एस एम एंट्री होती इमरसमेंट माने भी उलझन या परेशानी हैरानी शर्मिंदगी भी होता है तो यहां पर यह गलत है कमोशन भी गलत है आपका ऑप्शन सही है दूसरा दूसरा ऑप्शन सही है आपका इनकरेजमेंट स्पेलिंग एकदम सही है देखते हैं इसके बाद यहां पर आ जाता है पैराग्राफ आपका पैराग्राफ पढ़ेंगे कॉम्प्रीहशन है इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स हेल्प ऑफ द अल्टर गिवन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक डिसिप्लिन इज डोइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन एक ऐसा काम है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किया जाता है मतलब नियमानुसार किया, किया जाता है रूल्स पर किया जाता है डिसिप्लिन अनुशासन अनुशासन एक ऐसा कार्य है जो रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलता है इट इज फिर खाली है मिसअरस्टूट मतलब गलत फहमी हो जाती है एज ए रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम मतलब ऐसा लगता है जैसे आज़ादी के प्रति एक नियंत्रण किया जा रहा है हमें आज़ादी से वंचित किया जा रहा है ऐसा लगता है बट इट मेक्स अवर लाइफ ऑर्गेनाइज लेकिन ये हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करता है मैनेज करता है तो अब ऑप्शन देखते चलें तभी पता चलेगा फिलहाल पहले ऑप्शन के लिए लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलता है अब ये इट इज़ के बाद मिसअंडरस्टूड है तो दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे क्या आना चाहिए प्राउडली इट इज़ प्राउडली अंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड नहीं नहीं गर्व से गलत फहमी कैसे हो जाएगा गलत स्लोली मिसअंडरस्टूड ये भी गलत है हैप्पीली खुशी से नहीं यूजअली सही है यूजअली मानी क्या होता है प्राय तो यह प्रायः गलत फहमी होती है ठीक है किसके प्रति होती है देखते हैं एज ए रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम मतलब हम को जब डिसिप्लिन के तहत काम करने को कहा जाता है तो हमें ये प्रायः गलत फहमी हो जाती है कि हमारी आज़ादी पर नियंत्रण किया जा रहा है तो प्रायः यहाँ पर यूजली लेना है आपको ठीक फिर है बट इट मेक्स अवर लाइफ ऑर्गेनाइज लेकिन ये हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब सिस्टमाइज करता है हमें सिस्टम से काम करना सिखाता है बहुत अच्छा होता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज़ ए फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस तो जो अलग अलग व्यवसायों से जुड़े लोग होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए डिसिप्लिन क्या होता है ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा लिखो दूसरे ब्लैंक पर क्या भरना चाहिए तो वो क्या है डिसएडवांटेज माने हानि होती है वर्चियों माने सद्गुण होता है कर्स माने अफसाफ होता है ड्रीम माने कल्पना होती है समझ गए होंगे क्या आएगा ऑप्शन नंबर टू यानी ये सद्गुण होता है हम समझते हैं कि वो हमारे लिए आज़ादी के प्रति नियंत्रण है लेकिन नहीं वो हमारे लिए बहुत अच्छा गुण है जो अंदर हमारे उपज रहा है तो वर्ची माने होगा सदगुण सभी के लिए कह रहा है मतलब लोगों के लिए भी विद्यार्थियों के लिए भी फिर है अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज मतलब एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करता है देखते हैं ब्लैंक थ्री क्या करता है सक्सीड मतलब क्योंकि वहाँ पर दिया गया था कि डिसिप्लिन पर्सन यानी वहाँ पर है क्या वहाँ पर है अडिसिप्लिन पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं यहाँ पर दिया हुआ एक अनुशासित व्यक्ति तो एक अनुशासित व्यक्ति क्या करता है सफल हो जाता है क्योंकि सक्सीड वर्ब चाहिए वहाँ तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये जो है प्लूरल वर्ब दी हुई है ऐसा नहीं लगा सक्सीड्स आएगा सक्सेस है सक्सेसफुल वर्ब नहीं है और ये भी नहीं आएगा तो यहां पर ऑप्शन आएगा टू यानी क्या होता है एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है ठीक आगे बढ़ते हैं डिसिप्लिन पीपुल यानी अनुशासित जो लोग होते हैं अडिसिप्लिन सोसाइटी एक अनुशासित समाज को एंड ए पावरफुल नेशन और शक्तिशाली राष्ट्र को क्या करते हैं ध्यान रखना जरा यहाँ पर पीपुल है आगे बढ़ते हैं ऑप्शन फोर नंबर क्वेश्चन के लिए चाहिए तो यहाँ पर फोर नंबर ब्लैंक ये रहा तो डिसिप्लिन जो पीपुल होते हैं हैड मेड अ सोसाइटी वहाँ पे लिख डिसिप्लिन सोसाइटी बना बना चुके थे गलत मेक्स बनाते हैं मेक बनाते हैं और मेड बनाते थे तो चूंकि मेक्स और मेक में आना चाहिए प्रेजेंट फॉर्म में लेकिन पीपुल लिखा है मेक्स आएगा नहीं इसलिए ऑप्शन आपका थ्री सही है काफ़ी ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों पे समझ रहे हो ना अगर इन चीज़ों को ध्यान दे दो तो जल्दबाजी से काम कर जाओ तो गलत ही हो जाएगा तो यहाँ ऑप्शन नंबर थ्री सही है क्योंकि वहाँ पीपुल है इसलिए मेक मेक आना चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा कि डिसिप्लिन पीपुल क्या करते हैं मेक ए डिसिप्लिन सोसाइटी एक अनुशासित समाज बनाते हैं एंड ए पावरफुल नेशन और शिक्षकशाली राष्ट्र बनाते हैं फिर क्या है डिसिप्लिन शुड नॉट बी अर्थात अनुशासित नहीं होना चाहिए अनुशासन को नहीं किया जाना चाहिए नहीं होना चाहिए अपॉन द पीपुल रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन हमें देखना है कि डिसिप्लिन शुड नॉट बी मना कर रहा है लेकिन याद रखिए शुड नॉट बी पैसिव फॉर्म में आगे चलते हैं लास्ट वाला होना चाहिए डिसिप्लिन शुड नॉट बी एडॉन्ड अनुशासन को नहीं सजाया जाना चाहिए इम्पोज्ड माने थोपना नहीं थोपा जाना चाहिए कर्ड मतलब नियंत्रण करना नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए गलत डिपोज माने शांत करना या आराम देना तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन टू सही है क्यों क्योंकि अगर कि डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज यानी अनुशासन को लादा नहीं जाना चाहिए थोपा नहीं जाना चाहिए किस पर लिखा है अपॉन द पीपुल लोगों पर ये अनुशासन ऐसी चीज़ है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपना चाहिए अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको छोड़ दो उसको जाने दो या जहाँ पर रह रहा है ठीक है ना अगर किसी फॉर्म में रह रहा है किसी संस्था में रह रहा है और अनुशासन नहीं फॉलो करना चाहता तो उसको हटा दीजिए जबरदस्ती उससे उसको नियंत्रण या गुलाम बनाकर नहीं कर सकते हो तो अनुशासन को थोपा नहीं जाना चाहिए लोगों पर रेदर इट शुड कम फ्रॉम इन बल्कि ये क्या होना चाहिए बल्कि ये उसके अंदर से आना चाहिए अर्थात खुद वो अपने मन से उसको फॉलो करे उसके अंदर से पैदा होना चाहिए इसको बल्कि थोपने वाली कोई चीज नहीं है बोझ लादने वाली चीज नहीं है तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर इम्पोज आना चाहिए ठीक है तो इम्पोज यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू मैंने दे दिया है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका ट्वेल्व सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड तो देखिए माने अपमानजनक होता है मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो दो वर्ड आते हैं जो उनकी मीनिंग चाहिए होती है अगर अच्छा बच्चा जो है इसी में पीछे रह जाता है इसी बात में कि तो उसको क्या होता है कि ये मीनिंग आती नहीं तो वो गैस वर्क करता है और जब वो गैस वर्क करता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी होता है इनमें गैस वर्क तो चलता ही नहीं है ना क्योंकि ये वन वर्ड आंसर होते हैं सही तो सही नहीं तो फिर गलत तो देखो डेरोगेटरी माने अपमानजनक होता है इंट्रीकेट माने जटिल होता है कॉम्प्लीमेंट्री माने में प्रशंसनीय होता है डिप्रिशिएटिंग माने मूल कम करना या आकर किसी की वैल्यू कम करना होता है ठीक है तो इंसल्टिंग अच्छा डिप्रिशिएटिंग का मतलब नीचे दिखाना भी होता है लेकिन जब इंसल्टिंग उसका प्रॉपर वर्ड सुटेबल दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन थ्री ही चुनना चाहिए क्योंकि इंसल्ट का डायरेक्ट मीनिंग है डेरोगेटरी से तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थ्री सही होगा तो थ्री ऑप्शन लेंगे और आपका पूरा आंसर सही निकल जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रीफियर वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिजेंट Stringent स्टेप्स अब देखिए इंस्ट्रीजेंट माने होता है कठोर जिसको हम ड्रेस्टिक स्टेप बोलते हैं स्टेप अगेंस्ट टेरिस्ट एंड फॉइल देयर फॉइल देयर अब यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पली माने होता है उदाहरणात्मक उदाहरणात्मक यानी जिसको हम शिक्षात्मक कह सकते हैं कंडीशिव माने होता है अनुकूल बेनिवलेंट माने परोपकारी अब मेलिशियस माने होता है दुर्भावनापूर्ण यानी दुष्टात्मा यानी द्वेषपूर्ण होता है अब अर्थ देखते हैं द गवमेंट स्ट्रिंजेंट स्टेप्स सरकार को कठम कठोर कदम उठाने चाहिए अगेंस्ट टेरिस्ट यानी कि आतंकवादियों के विरुद्ध एंड फॉइल देयर अब फ्वाइल देयर यानी बेकार करना चाहिए निरस्त करना चाहिए क्या करना चाहिए मतलब उनके परोपकारी डिजाइंस यानी रणनीतियों को कंडीशी मतलब अनुकूल रणनीतियों को एग्जाम्पलरी शिक्षात्मक मलेशियस माने दुर्भावनापूर्ण तो समझ में आ रहा है आपका चौथा ऑप्शन भरा जाएगा मतलब उनकी जो द्वेषपूर्ण रणनीतियाँ होती हैं डिजाइन्स माने जो चीज़ें वो रणनीति बनाते हैं षड्यंत्र रचते हैं तो उनमें द्वेष भावना होती है मैलेशियस उसे मैलिस मैलिस माने होता है एक्चुअली बुराई मैलिस एम ए एल आईसी मैलिस मानी दुर्भावना या बुराई होती है तो माइलिशिय माने दुर्भावनापूर्ण जो वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं उनको बेकार कर देनी चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर सही है अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडीएम टू थ्रू ए फिट ये तो जानते हो कि एडीएम की कोई डायरेक्ट मीनिंग है नहीं अब यहाँ पर पेंटेंट फॉल डाउन बेहोश होना और गिर जाना बिकम अनकॉन्शियस बेहोश हो जाना एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर कौशन संबंध अबाउट फिटनेस फिटनेस के प्रति कोई सावधान होना यहाँ पर ज़्यादा कुछ फालतू की बात ना करते हुए <laughs> यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है और ये आपको याद रखना पड़ेगा रखना ही पड़ेगा तो क्योंकि उसका और कोई रास्ता है नहीं तो टू थ्रो एफिट का मतलब है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर यानी अत्यधिक क्रोध का प्रदर्शन करना टू थ्रू ए फिट अब मैं ये सेंस लगा सकता हूँ कि फिट माने होता है दौरा पड़ना तो दौरा पड़ने का मतलब होता है कि, कि किसी भी चीज़ का दौरा पड़ता है उसको क्रोध का दौरा पड़े प्रेम का दौरा पड़े पागलपन का दौरा पड़े तो इसलिए हो सकता कुछ ऐसा सेंस लगाया जा सकता है बट इसका तीसरा ही सही है एक्सट्रीम एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर ठीक है चलते हैं आगे फिर यहाँ पर हम लेंगे पंद्रह नंबर यह है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर हाँ ये तो ठीक है ग्रामेटिकल एरर देखते हैं दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ वे लोग जो हेल्दी रूटीन अपनाते हैं एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं और निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होते हैं देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट से तो कहीं गलत लग नहीं रहा और अगर तुमको लग रहा है तो बताओ हो सकता है ये सही हो अगर सही है तो फिर ऑप्शन को क्या करोगे लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ये गलत है पूरी तरह से यहाँ दोज लिखा है गौर कर रहे हो फॉलो तो दोज हु फॉलो वे लोग जो फॉलो करते हैं करते हैं करता है नहीं इसलिए क्या गलत है इज़ इज की जगह क्या होना चाहिए आर होना चाहिए है ना तो फिर क्या है आपका ऑप्शन थ्री रॉन्ग है इनसे हमें कोई मतलब नहीं है आपको ग्रामेटिकल एरर को सिलेक्ट करना है किस पार्ट में है तो आपका थ्री नंबर है जिस पार्ट में इज़ लाइकली इंजॉइंग में आपका ग्रामेटिकल एरर मौजूद है जो इज है अगर आर होता तो बिल्कुल सही हो जाता आगे चला जाए चलो लिखा है गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस चार नीचे जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर तो हमें इसको ऑर्डर में लाना है कैसे लाना है अब यहाँ पर हमको देखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस उठाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा और इसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि अगर कोई कहीं बीच से अच्छा समझ में आ जाता है कि ये मिडिल का सेंटेंस है स्टार्टिंग का सेंटेंस अलग से ही पता चल दे कैन अब दे कैन कर दिया वे दे कैन देन परचेज तब वे खरीद सकते हैं इसका मतलब इससे पहले यहाँ पर जो दे आया है उसका कोई नाउन तो होगा और यही आइडिया लगाना होता है तो इसको आप छोड़ दीजिए आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फिर कह रहे इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली अब ये फिर कह दिया इट तो इट मतलब यहाँ पर फिर कोई ना कोई आपका नाउन आया होगा जिसके लिए इट आया है फिर लिखा है जैसे द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अब चूंकि यहाँ पर नाउन से ही स्टार्ट है लेकिन डी नंबर कह रहा है दिस विल हेल्प इन तो दिस विल ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किसी न किसी को तो सबसे सबसे पहले नंबर सब आएगा आपका सी तो सी नंबर में आपको देखना है कि लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन बजट सेशन में भारतीय सरकार ने कुछ ख़ास सुविधाओं की घोषणा की है आप देखिए क्या करते हैं कि कुछ खास घोषणाओं की जो सुविधाओं की घोषणा की है तो इसके बाद ऑप्शन कौन सा देखते हैं ऑप्शन देखेंगे सी के बाद हमको समझ में आएगा कि होना चाहिए आपका बी नंबर इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स and provide them to entrepreneurs. Entrepreneurs का मतलब होता है व्यवसायी इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवास्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात ये तकनीकी तरीके से कुछ एडवांस उन्नतशील चिकित्सकीय साधनों को लाएंगे जब बजट सेशन में सुविधाएं देने की बात करी है तो ये जो उन्होंने घोषणा की है उससे क्या होगा कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी अपने मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल फील्ड में एंड प्रोवाइड देम टू इंटरप्रोर्स और व्यवसायियों को उपलब्ध कराएंगे तो बी नंबर हो गया इसके बाद हम देखते हैं दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज रेट्स विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज तो ये जो इंटरप्रन्यस होंगे ये क्या करेंगे ये तब उनको सब्सिडी पर के रेट पर कुछ अतिरिक्त लोन व्यवस्थाओं पर सुविधाओं पर उनको खरीद सकते हैं फिर आपको लास्ट में लेना हो गड्ढी तो दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंटरप्रन्यस अर्थात ये व्यवसायियों की आर्थिक दशा को शक्ति प्रदान करने में मदद करेगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी बी ए डी सी बी ए डी कहाँ पर लिखा हुआ है सी बी ए डी आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर थ्री में सी बी ए डी ऑप्शन आपका लिखा है थ्री में तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है थ्री नंबर ठीक है चलिए आगे सेवेंटी नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सिट्यूट सेलेक्ट नो इम्प्रोट इस तरह के पिछले वीडियो में कई बार आप सॉल्व कर चुके हो तो हमें देखना है कि कहाँ पर कुछ चेंज करने लायक सेगमेंट है कि नहीं है हालांकि अंडरलैंड तो हो नहीं पाया फिर भी हम देख लेंगे कि कहीं पर कोई एरर है क्या द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन ए वन समझ में आ गया होगा इज इजी देन क्योंकि देन कंपैरिजन बताता है और यहाँ पर दो में कंपैरिजन किया जा रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या को जो गढ़ती गणना है या हल है वो आसान है किसकी तुलना में पहले की तुलना में तो जब तुलना कराई जा रही है और देन लगा देन के साथ कम्पटेटिव डिग्री आती है तो आपका ईजीएस्ट देन होता नहीं है नो इम्प्रूवड हम कर नहीं सकते चूँकि कमी तो वही है इजी देन भी नहीं होता इजियर देन द होता है तो आपका ऑप्शन नंबर फोर सेलेक्ट करना है और आपका सही हो जाएगा एटीन नंबर क्या कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रेड सीनोनीम्स ऑफ द गिवन वर्ड तो एक्नोलेजमेंट एक्नोलेजमेंट का जानते हो क्या मतलब होता है एक्सेप्टेंस होता है एक्सेप्टेंस का कन्फ्यूजन से कोई मतलब नहीं है सीरो देना है एलिमिनेशन का मतलब कोई नहीं होता है एलिमिनेशन का मतलब गायब करना या बिलोपन या निकाल देना होता है कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति होती है कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन माने स्वीकृति होती है कन्फर्म करना अर्थात किसी की बात को आपने कन्फर्म किया मतलब स्वीकार कर लिया ठीक है तो कन्फर्मेशन माने होता है आपका स्वीकृति तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट से पूरी तरह मैच कर रहा है तो यहाँ आपका कन्फर्मेशन होगा चौथा ठीक इसके बाद आगे चलते हैं एटीन के बाद नाइनटीन नंबर इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर फिर आ गए यहाँ पे वेन आई रीड द सिनेमा हॉल जब मैं सिनेमा हॉल पहुँचा द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन यानी मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी ग्रामेटिकल एरर ये है कि हैड है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ये आपकी सेकेंड फॉर्म है होना चाहिए तो बी ई जी यू एन ठीक है तो अब ऑलरेडी बिगैन ये वाला पोर्शन गलत है इसको सेलेक्ट करना है बाकी को छोड़ देना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर से ही हो जाएगा विगैन की जगह बिगन होना चाहिए हाइट लगा चुकी ट्वेंटी नंबर है बहुत आसान द टीचर टू तो मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट तुमने अपना असाइनमेंट यानी असाइनमेंट का मतलब मतलब ग्रहकार होता है असाइनमेंट आपने जमा नहीं किया हुआ है तो अब यू को तुम पहले पहले सेट टू को टोल्ड करोगे यू को आप मी के आधार पर बदलेंगे तो आई हो जाएगा हैव हैवनाट है तो क्या हो जाएगा हैड नाट हो जाएगा बाकी वही रहेगा तो टोल्ड टू है इसलिए गलत है टोल्ड के साथ जब आएगा सेट टू को टोल्ड करेंगे तो टू रहेगा नहीं जब हम सेंटेंस को चेंज करके जोड़ेंगे तो सेट टू का सेट टू रहता नहीं सेट टू का टोल्ड हो जाता है सेट मी केवल दिया सेट के बाद टू भी नहीं है टोल्ड भी नहीं है तो यहां ज्यादा नहीं देखना होता है बस तो थोड़ी देर में देखा कि यहां पर यह गलत है इसको छोड़ दो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्टिंग तो यहाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर आपका सही है इसके बाद क्या करा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्प्लॉयड ये वो पूछा जाता है इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इम्प्लॉयड जो होता है वो स्पेलिंग ये होती है और इम्प्लॉय जो होता है ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी अर्थात जो एम्प्लॉय यानी काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय कहते हैं इम्प्लॉय एक वर्ब भी, भी होती है जिसका मतलब होता है नियुक्त करना ठीक है चुनना भर्ती करना एम्प्लॉय करना किसी पद पर मतलब नियुक्त करना तो इम्प्लॉय होता है अब इम्प्लॉय के बाद जब उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो एम्प्लॉयड होता है इम्प्लॉयड इसमें लगा दिया उसने और इसके साथ डी का कोई काम नहीं है नाव नहीं है इम्प्लॉय वर्ब होती है ई एम पी एल ओ वाई जिसमें ई e डी जोड़ करके आपका वर्ब बनाया गया है रिहर्सल अब आपका यहाँ पर क्या है रिहर्सल में गलत लिखा हुआ है रिहर्सल की स्पेलिंग आर ई -E आर ई एच ई ए आर एस एल होता है यानी एच ई -E के बाद भी ए होता है जिसका मतलब अभ्यास होता है वेटरनरी माने पशु का डॉक्टर या पशु चिकित्सा होती है भी गलत है चूँकि सेपरेट से बना है तो एस ई पी ए आर होता है इसमें ई आर कर दिया हुआ है तो ये चौथी गलत है दूसरी भी गलत है और पहली भी गलत है इसलिए आपका सही ऑप्शन तीसरा ध्यान रखिएगा तीसरा ऑप्शन आपका सही है जो सही लिखी स्पीकिंग अब यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट द पैसी फॉर्म पैसी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश देखिए कुछ हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है हाँ ये है कि ईडीएम्स हैं और कुछ वो कैप्स टाइप के जो होते हैं वो थोड़ा सा टफ़ हो जाते हैं मैटर अगर उनको कवर आपने कर लिया या मान लो गैस वर्क में ही सही हो गया तो पेपर फिर अच्छा चला जाता है अब हिज इल्डर सिस्टर इज टॉट गलत क्योंकि इज आएगा नहीं इज बीइंग टॉट ये भी गलत है ही वाज टॉट यहाँ तो सही लग रहा है कुछ इंग्लिश सही है इल्डर सिस्टर ये भी सही है हाँ तो फिर ये हाइज बिन लगा हुआ है तो ये आपका गलत है सब ऑप्शन सही है आपका है तीसरा ठीक ऑप्शन तीसरा सही है अच्छी तरह से देख लीजिए कोई कमी उसमें है नहीं थर्ड ट्वेंटी थर्ड सेंटेंस है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस तो हम देखते हैं कि इसमें अंडरलाइन सेगमेंट कहीं पर क्या सब्सटीट्यूट करने लायक है क्योंकि अंडरलाइन तो है नहीं तो हम देखते नो एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप कहना ये चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि वो वर्ल्ड कप में अपनी जीवंत प्रतिभा जीवंत प्रतिष्ठा बनाए रख सके अर्थात वर्ल्ड कप में कुछ अब देखो कैश ऑफ ऑन लिखा है अब इसमें देखते हैं फॉर कैश थ्रू इन फॉर कैशिंग ऑफ इन ऑन टू कैश इन ऑन टू कैश अप ऑन तो चूंकि इसमें इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे इसको कैशिंग ऑफ ऑन गलत है टू कैश थ्रू इन ये भी किसी के माध्यम से मतलब उसको एक्चुअली मैं तुमको मीनिंग पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर होगा टू कैश इन ऑन चूँकि कैश इन ऑन का मतलब होता है टू गेट एडवांटेज ऑन समथिंग टू गेट एडवांटेज ऑन समथिंग किसी वस्तु का लाभ उठाना होता है कैश इन ऑन माने तो कैश ऑफ ऑन तो पूरी तरह गलत हो गया ना ट्यूब सही है कैश सही है ऑफ़ गलत लिखा हुआ है ऑन भी सही है तो आप की जगह इन करेंगे तो आपका लाभ या फायदा उठाने से मतलब उसका अर्थ हो जाएगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा वर्ल्ड कप में वाइब्रेंट इमेज का मतलब एक जीवंत इमेज प्रतिष्ठा मतलब बनाने के लिए जीवन प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के लिए मतलब कोई प्रयास नहीं किया गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थ्री सही है अब ध्यान रखिए इसको टू कैश इट ऑन का मतलब होता टू गेट एडवांटेज समथिंग इसके बाद है ट्वेंटी फोर नंबर यहाँ पर एक कॉम्प्रिहशन दिया हुआ है गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंसेज जंबल्ड सेंटेंस दी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देर करेक्ट ऑर्डर मतलब एक ऐसे ऑर्डर को करेक्ट लाना है जो करेक्ट सेंस देता हो। लिखा यहाँ दिस इज बिकॉज ऑफ अब देखो दिस इज तो शुरू नहीं होगा दस इट ये भी नहीं शुरू जब इस तरह के आते हैं देर फॉर सो दस दिस तो ये नहीं लिए जाते हैं कोई नाउन से कोई शुरुआती बात होनी चाहिए जो नए सिरे से उठाएं इट हैज अभी प्रोनाउन आ गया तो इट है इशारा कर रहा है किस चीज का तो इसलिए डी नहीं होगा सी से शुरू होगा टुवर्ड्स जंक फूड बच्चे साथ ही जो थर्टीन और नाइनटीन के बीच के बच्चे होते हैं वो सभी जंक फूड के प्रति ललायत रहते हैं टेम्पटेड माने ललचाते रहते हैं जंक फूड कुरकुरे खा लो चिप्स खा लो और फिंगर चिप्स खा लो मोमोज खा लो चाउमीन खा लो बर्गर खा लो ये बच्चों में ज्यादा होता है बताशे पी लो हम तो यहाँ शुरू होता है। अब इसके बाद ये होता है कि हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए तो देखिए चिल्ड्रेन अब यहाँ जंक फूड के बारे में आपको बताया गया है तो यहाँ देखना होगा कि अब आगे कौन दस दस ज़्यादातर लास्ट में इन चीज़ों को लाया जाता है तो दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि इट्स अरोमा अरोमा माने सुगंध फ्लेयर माने स्वाद एंड वैरायटी माने विविधता क्योंकि मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं जंक फूड स्वाद वाले पाए जाते हैं सुगंध वाले भी पाए जाते हैं तो इसलिए ललचाते रहते हैं ठीक अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगला इसमें कौन सा सेट हो रहा है तो अगला सेट होने के लिए आप दस में जाएंगे कि लास्ट के इट में जाएंगे है ना तो ये आप देखिए कि इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए इट हैज़ नो और नेग्लीगे नेग्लिजिबल नेगलिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड साल्ट मतलब इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल अर्थात इसमें कोई भी जो फायदा होता नहीं या जो भी होता है इसमें एक उपेक्षणीय पौष्टिकता होती है यानी ये मानकर चलो इसमें कोई भी पौष्टिकता होती नहीं एंड हाई कंटेंट ऑफ सुगर एंड साल्ट और इनमें शुगर और साल्ट चीनी और नमक आदि की मात्रा ज़्यादा मिला करके इन चीज़ों को बनाया जाता है तो यहाँ पर हो गया अब क्रम क्या बना सी ए और डी लास्ट में बचा दस इस प्रकार लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एमंग चिल्ड्रेन होता क्या है परिणाम स्वरूप बच्चों के अंदर मानसिक परेशानी पैदा हो जाती और एक कमजोर स्वास्थ्य बन जाता है अर्थात स्वास्थ्य उतना उत्तम बन नहीं पाता और मेंटल डिसऑर्डर भी बच्चों में हो जाता है तो अब हो गया ऑप्शन आप आपका सी ए डी और बी सी ए डी और बी यानी ऑप्शन नंबर आपका थ्री सही है तो थ्री में लगाइए और आगे बढ़िए लास्ट बचा यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द क्यूनवर्ड प्रोडिगल प्रोडिगल माने तो खर्चीला होता है ट्रिबियल माने तुच्छ होता है एरोगेंट माने मानी होता है हम्बल माने विनम्रता है और एक्स्ट्रा वेगेंट माने होता है फिजूल खर्ची तो यहाँ पर फिर प्रोडिगल का मतलब फिजूल खर्ची एक्स्ट्रा वैगेंट, वैगेंट का मतलब भी हो गया फिजुल खर्ची तो फिर सीनो कह रहा है तो ऑप्शन माना जाएगा आपका कहाँ चला गया एक्स्ट्रा वैगेंट दूसरा माना जाएगा यहाँ पे दूसरा तो चलिए देखिए पेपर तो पूरा सॉल्व हो गया है पच्चीस नंबर का क्वेश्चन और उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा लेकिन इसके साथ साथ यानी ये पेपर पढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ये पक्की बात अगर सॉल्व करते रहेंगे अगर कोई लड़का इनको 20-25 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेगा अगर उसके सामने यह मानकर चलो कि अगर एस एस सी सीजल का इसी तरह का जो पेपर फॉर्मेट आता है अगर आ जाएगा तो उसको शुरुआत में यानी चाहे पहली बार ही दे रहा हो अगर ये देखता रहा है सॉल्यूशन पढ़ता रहा है तो उसको एस एस सी सीजल के पेपर में कुछ अटपटा या भय टाइप का नहीं लगेगा बिल्कुल आसान लगेगा और वो पहले की तुलना में उसमें ज़्यादा अंक हासिल करके ला सकता है इसलिए सारे बच्चे इसे देखते रहें पढ़ते रहें और सभी को मेरी तरफ़ से हार्दिक शुभकामनाएं जिन जिन लड़कों की परीक्षाएं लगी हों ऑल द बेस्ट है मेहनत करें और जिस जिम्मेदारी से आप वीडियो देखते हैं उसी ही जिम्मेदारी से आपको परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होता है इसलिए मेहनत सबसे ज़्यादा जरूरी है तो अब यहीं से वीडियो मैं फिनिश करता हूँ और कीप स्माइलिंग कीप हेल्दी बी हेल्दी और अच्छे से खाएं पिए सोएं स्वस्थ रहें